आज का हम लोग का पहला प्रश्न है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 18 मीटर है। इसके बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रास्ता बन कहाँ रहा है। तो बोला ये जा रहा है कि पार्क के बाहर चारों ओर इतना मीटर चौड़ा सड़क बन रहा है, पार्क के बाहर की ओर बन रहा है। तो पार्क के बाहर की ओर जब रास्ता बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो बाहर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल का हम लोग का फॉर्मूला होता है, बाहर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई इंटू 2 इंटू जिस वर्ग के बाहर बन रहा है उसकी भुजा प्लस में 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई, ये हो जाएगा हम लोग का। लेकिन इसी में यदि देता कि पार्क के अंदर अगर रास्ता बनता तब क्या होता? तो पार्क के अंदर यदि रास्ता बनता तब हो जाता हम लोग का फॉर्मूला, अंदर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल सेम फॉर्मूला होगा, यहाँ प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, यानी 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई 2 इंटू जिस वर्ग के अंदर बनेगा उसका भुजा माइनस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। तो फिलहाल हम लोग को किसका क्षेत्रफल निकालना है? पार्क के बाहर की ओर रास्ता बन रहा है, तो पार्क के बाहर की ओर यानी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर यानी एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रास्ते का? 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई, तो 2 और रास्ते की चौड़ाई कितना? 3, तो 3 दूना हो जाएगा यहाँ 6। 2 इंटू क्या? वर्गाकार मैदान या वर्गाकार पार्क की भुजा, तो 2 इंटू वर्ग का भुजा कितना है? बोल रहा 18 मीटर है, तो 18 में 2 से गुना कर देंगे 36 हो जाएगा। प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई, तो 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई कितना आया था? 6, लिख देंगे 6, गुना कर लेंगे 6, और ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 के 2 हाथ में 1 3 4, इसको यहाँ गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा कितना हम लोग का? 6 2 12 के 2 हाथ में 1, इसको नीचे लिख लेते हैं, 6 2 12 के 2 हाथ में 1, 6 4 के 24, 25 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो हम लोग का मीटर स्क्वायर में होगा, मीटर में दे रहा है और एरिया निकालना है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? पार्क के बाहर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर सी 252 मीटर स्क्वायर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार उद्यान, उद्यान मतलब पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर की एक समान चौड़ाई वाला रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल इतना है। रास्ता है और रास्ते का क्षेत्रफल दे रहा है, तो बोला ये जा रहा है कि उद्यान का परिमाप ज्ञात कीजिए। उद्यान का परिमाप मतलब किसका परिमाप? कैसा उद्यान है? वर्गाकार यानी वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए वर्ग का भुजा हम लोग के पास होना चाहिए। वर्ग का भुजा कैसे निकलेगा? जो दिया है उससे निकलेगा। क्या दे रहा है? रास्ते का क्षेत्रफल। लेकिन देखेंगे ये किस टाइप का रास्ता है, अंदर की ओर या बाहर की ओर? तो क्या बोल रहा है? उद्यान के चारों ओर, उद्यान के चारों ओर यानी उसके बाहर की ओर का बात हो रहा है। पार्क के बाहर की ओर 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो बाहर की ओर का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? ये होता है, तो इसी को हम लोग लगाएंगे, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल हम लोग का हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग के बाहर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, हम लोग दोबारा लिख लेते हैं ताकि याद हो जाए, 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई ब्रैकेट में 2 इंटू वर्गाकार पार्क की भुजा और प्लस में 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई। यदि यही होता, वर्ग के अंदर रास्ता बनता, तो यहाँ क्या हो जाता? यहाँ माइनस हो जाता। फिलहाल जो जो मान दे रहा है उसको हम लोग बैठाएंगे, तो
तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 225 मीटर स्क्वायर। लिख लीजिए यहाँ 225, यहाँ हम लोग 225 लिख लिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 2 × रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई कितना, 1.5 मीटर। 1.5 को 2 में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 × 30 यानी 3 मीटर। 2 × वर्गाकार उद्यान की भुजा ये है, तो कितना भुजा है नहीं मालूम, यही तो निकालना है, तो लिख लिए 2 × भुजा। 2 × रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई का 2 गुना, 1.5 का 2 गुना कितना, 3 हो जाएगा। अब निकाल लेंगे हम लोग कैसे, 3 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 75। अब बच गया ये 2a + 3। अब 2a + 3 है तो ये डायरेक्ट ब्रैकेट से बाहर आ सकता है, यानी 3 को यहाँ से हटाएंगे यहाँ आ जाएगा। ये हम लोग का पॉइंट नहीं है, 7 पॉइंट नहीं है, ये 75 है। अब ये 3 यहाँ से हटेगा, यहाँ आएगा माइनस में, कितना हो जाएगा, 72। और 72 किसका मान आया, 2 × भुजा का, क्योंकि यहाँ क्या बचा हुआ है, 2 × भुजा। निकालना क्या हम लोग को है, उद्यान का परिमाप, और उद्यान कैसा है यानी पार्क कैसा है, वर्गाकार, और वर्गाकार पार्क यानी वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 × भुजा। तो 2 × भुजा का मान दे रहा है, 4 × भुजा का मान निकालना है, यानी यहाँ यदि हम लोग 2 से गुना कर दे तो यह 4 नहीं बन जाएगा, जब इधर 2 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 4 × भुजा हो जाएगा, और उसी का मान ये आएगा तो कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे तो 2 × 4 7 × 14 144, यानी कि उद्यान का परिमाप कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 144 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 33 मीटर भुजा वाली वर्गाकार पार्क के अंदर, अभी तक क्या बना रहे थे हम लोग, पार्क के बाहर, यहाँ बोला पार्क के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, किसमें, वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं रास्ते का, तो रास्ता कहाँ बन रहा है, पार्क के अंदर की ओर बन रहा है, और अभी हम लोग पढ़े थे कि अंदर की ओर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्गाकार भुजा के यानी वर्ग के अंदर की ओर या वर्गाकार पार्क के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × रास्ते की चौड़ाई 2 × वर्ग की भुजा या वर्गाकार पार्क की भुजा माइनस 2 × रास्ते की चौड़ाई। ये माइनस कब होता है, जब पार्क के अंदर रास्ता बनता है तब, अंदर रास्ता बनेगा तो यही चीज क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बाकी जितना दे रहा है हम लोग सबको बैठा देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 2 × रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते का चौड़ाई कितना दे रहा है, 2 मीटर, तो चौड़ाई 2 मीटर, यहाँ 2 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, 2 × वर्गाकार पार्क की भुजा, तो कितना मीटर है, 33 मीटर भुजा है, तो 2 × 33 कितना हो जाएगा, 66 लिख सकते हैं यहाँ हम लोग, यानी 2a का मान 66 माइनस 2 × यानी इसका मान तो सेम है, तो कितना आया था, 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, कितना आ गया हम लोग का, 4 × 66 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 62, कितना आ गया, 62, और 62 को यहाँ गुना कर देंगे तो 2 × 8 = 24 क्या आ गया, ये हम लोग का किसमें था, मीटर में दे रहा था, यानी क्षेत्रफल जो आया हम लोग का किसमें आया, मीटर स्क्वायर में, 248 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि सड़क का क्षेत्रफल निकालना है आपको किसमें, वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, और हम लोग का अभी क्षेत्रफल किसमें आया है, मीटर स्क्वायर में, यानी मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 100 से गुना कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 248 × 40, ये हो गया हम लोग का सेंटीमीटर में आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, अब यहाँ मीटर पर स्क्वायर चढ़ जाएगा तो यही 100 एक बार और गुना हो जाएगा, यानी 1 मीटर बराबर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर बोले 10,000
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहां ऑप्शन में हम लोग का ये भी दे रहा है, लेकिन ये बॉन्ड किया है कि नहीं आपको सेंटीमीटर में ही ज्ञात करना है, तो सेंटीमीटर हम लोग का आंसर ये होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, एक महिला को 4√2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से यानी चाल से मैदान को विकर्णीय यानी विकर्णवत तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस वर्ग का क्षेत्रफल ये है उसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई को, विकर्ण का जो भी लंबाई होगा, विकर्ण की लंबाई को दूरी मानते हुए इस चाल से यदि चला जाए तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ये हम लोग को निकालना है। यानी कि वर्ग का विकर्ण निकालना होगा, और वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग भुजा निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल दिया है। तो मान लेते हैं यदि वर्गाकार मैदान की भुजा ए है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, लेकिन ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल तो इतना आपको दे रहे हैं हम, तो क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, यानी कि भुजा स्क्वायर के बराबर में ये हम लोग का इतना हो जाएगा। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इस पर चढ़ जाएगा रूट। अब रूट से बाहर इसको कैसे हम लोग लाएंगे, ये हम लोग को देखना है। तो यहां हम लोग 00 मिल रहा हम लोग को, और यहाँ 31 36, तो 00 का मतलब कितना होता है, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। लेकिन इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो इसका स्क्वायर रूट के लिए हम लोग देख लेंगे, तो इकाई अंक में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इकाई अंक किसका स्क्वायर करने पर 6 आता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई अंक 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब भी हम लोग का 36 यानी इकाई अंक, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इकाई अंक 4 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 36 इकाई अंक 6 आएगा। लेकिन हम लोग का 4 होगा कि 36 होगा इकाई अंक पर, ये देखना होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक करेंगे, ये किसके स्क्वायर के आसपास में है, तो 50 25 यानी 25 के स्क्वायर के आसपास में है। अब 5 में 5 से एक बड़े वाले अंक से गुना कर देंगे, 5 6 30, और 30 यानी एक ज्यादा गुना करने के बाद भी हम लोग का 30 आया, 30 से ये बड़ा है, यानी कि हम लोग का बड़ा वाला अंक यहाँ हो जाएगा 6। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 31 56 का यदि वर्गमूल ज्ञात कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट 56 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि भुजा का मान कितना हो गया, 560 किसमें, मीटर में। वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी, 560 मीटर। निकालना हम लोग को विकर्ण, क्योंकि विकर्ण को ही लंबाई मानना है, दूरी मानना है, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर होता है रूट टू इंटू भुजा। तो रूट टू इंटू भुजा का मतलब पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग भुजा ही लिख देते हैं, यानी भुजा इंटू रूट टू, भुजा इंटू रूट टू, तो भुजा का मान तो 560 आ ही गया है, और रूट टू लगा देंगे तो ये हो गया हम लोग का विकर्ण यानी दूरी। इसी दूरी को इस स्पीड से तय करने में यानी चलने में कितना समय लगेगा, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये दूरी है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि चाल इंटू समय होता है, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के जगह पर तो 560 दे ही रहा है, 560 रूट टू, ठीक है। टाइम निकालना है तो इसको हम लोग पहले रखेंगे यहाँ। स्पीड कितना दे रहा है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये हम लोग का दूरी यदि मीटर में है तो स्पीड हम लोग का मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए, जो कि यहाँ मीटर प्रति सेकेंड में है, इसलिए हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो क्या कर लेंगे, 4√2 मीटर प्रति सेकेंड सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, रूट टू से रूट टू गया, यहाँ हम लोग 5/18 से गुना नहीं किए, इसलिए क्योंकि यहाँ दूरी मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रहा है, इसलिए ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है। अब 4 से इसको हम लोग काट लेंगे, तो 4 से काटेंगे यहाँ तो कितना वर्ग कट जाएगा, 4 × 4 = 16, 14 × 56, यानी टाइम कितना आ गया, 140। लेकिन 140 क्या आया, किसमें दे रहा है चाल, मीटर प्रति सेकेंड में। इसका मतलब कि समय किसमें आया हम लोग का, 140 ये सेकेंड है, क्या है, सेकेंड। और जबकि हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं मिनट का भी यूज कर रहा है, तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से हम लोग भाग देंगे, 60 से जैसे ही भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा और बच जाएगा कितना, 20, यानी 2 पूर्णांक 20/60। और ये क्या है 2 पूर्णांक 20/60,
ये पूरा का पूरा अभी हम लोग का मिनट में यानी 2:20/60 कहलाएगा। अब ऑप्शन में तो इस तरह का कहीं कुछ है नहीं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया हम लोग का मिनट, और इस मिनट को क्या करेंगे अब, ये वाले मिनट को, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में यानी बटा में, इसको हम लोग सेकेंड में बदल लेंगे 60 से गुना करके, यानी कि 60 से 60 गया कितना बच गया 20, जैसे ही 60 से गुना किए तो मिनट हम लोग का सेकेंड हो गया यानी 2:20, तो कितना समय लग जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:20 का। हम लोग का अगला प्रश्न है 784 वर्गाकार टाइल्स है, यानी टाइल्सों की संख्या कितनी है 784, कैसा है वर्ग के आकार का है। अब बोला ये जा रहा है कि प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, किसकी वर्गाकार टाइल जो है, एक टाइल यदि टाइल्स ले हम लोग तो इस टाइल्स का जो आकार है कितना साइज है, चारों साइज इसका चारों भुजा 50 सेंटीमीटर का है, तो कहा यह जा रहा है कि इस 50 सेंटीमीटर का है, जिसको एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर लगाना है तो उस कमरे की भुजा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि ये टाइल्स का आकार हो गया, ये वर्गाकार है, और इसको बिछाना भी कहाँ है, वर्गाकार कमरे में ही बिछाना है, यानी इसमें हम लोग को लगा देना है। इसको हम लोग अच्छी तरह से बना लेते हैं, इसमें हम लोग को लगाना है, यानी टाइल्स भी हम लोग का वर्गाकार और कमरा भी वर्गाकार, इसमें बिछा देना है, यानी ऐसा ऐसा टोटल कितना टाइल्स है, 784 टाइल्स है, इस पूरे टाइल्स को इसमें हम लोग को सेट कर देना है, यानी कह सकते हैं कि 784 टाइल्स का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा फर्श का, तभी तो ऐसा ऐसा पूरा 784 टाइल्स इसमें समा जाएगा, तो 784 टाइल्स का जो क्षेत्रफल होगा वही इसका होगा, तो इसका होगा यानी सबसे पहले उसको निकाल लेते हैं कि उसका कितना क्षेत्रफल था, तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो एक टाइल्स का भुजा 50 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल इतना है, कितना 784 टाइल्स, कह सकते हैं 784 टाइल्स का कितना हो जाएगा, 784 से गुना कर देंगे यानी कि पूरे 784 टाइल्स का टोटल क्षेत्रफल आएगा, और जो इसका टोटल क्षेत्रफल होगा वही इस पूरे फर्श का क्षेत्रफल होगा। अब इस पूरे फर्श का क्षेत्रफल भी वही होगा तो इसका कुछ ना कुछ भुजा होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि इसका भुजा कितना है, यानी कि इस पूरे को गुना करने पर वही आएगा जो कि इसका क्षेत्रफल होगा, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, क्या भुजा का स्क्वायर, यहाँ तो हम लोग को भुजा कुछ पता नहीं है, यानी इसका भुजा यदि a हो और वर्गाकार ही ये फर्श हम लोग का है, भुजा यदि a हो तो क्षेत्रफल a स्क्वायर, और यहाँ क्षेत्रफल इतना आ रहा है, इसी टाइल्स को इसमें बिछाया गया है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर, तो कह सकते हैं कि इतना बराबर इतना। अब क्या कर लेंगे हम लोग, भुजा का मान निकाल लेंगे, क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कमरे की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यही भुजा का लंबाई तो ज्ञात करना हम लोग को, तो सबसे पहले यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, चढ़ जाएगा इस पर रूट, अब रूट से जब बाहर आएगा तो यहाँ 50 का स्क्वायर का मतलब रूट से बाहर आएगा तो 50, और 784 बाहर आएगा तो कितना होगा, तो 784 का स्क्वायर कितना होता है, तो 784 हम लोग का 28 का स्क्वायर होता है 784, यानी 784 रूट से बाहर आएगा तो कितना होगा 28 होगा, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, लेकिन ये क्या आया हम लोग का 50 × 28 क्या आया, भुजा किसमें दे रहा था, सेंटीमीटर में, भुजा सेंटीमीटर में दे रहा था, यानी कि भुजा का मान, टाइल्स का भुजा का मान दे रहा था सेंटीमीटर में, इसलिए फर्श की भुजा का मान भी सेंटीमीटर में आ गया, यानी फर्श की भुजा का मान कह सकते हैं 50 × 28 आया, लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं, मीटर में दे रहा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में हम लोग बदलेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, अब जैसे ही 100 से भाग दिए तो क्या हुआ, इस 50 से इस 100 को 2 बार में काट सकते हैं, और इस 2 से इस 28 को 14 बार में काट सकते हैं, यानी ये क्या आ गया हम लोग का मीटर में, सेंटीमीटर कहानी खत्म, क्यों, इसी सेंटीमीटर को तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दिए, तो फर्श के भुजा का मान कितना आ गया 14 मीटर, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, कमरे की भुजा की लंबाई कितनी, ऑप्शन नंबर सी 14 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है
यदि किसी वर्ग की भुजा इतना मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं? यानी कि एक छोटा वर्ग है जिसका भुजा 1/10 मीटर है, इसको 4 मीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर रखा जाना है। ये हम लोग का वर्ग हो गया, इस प्रकार के वर्ग में रखा जाना है। तो ऐसा ऐसा कितना वर्ग इसमें समा जाएगा, यही हम लोग को निकालना है। जबकि इसके भुजा का लंबाई 4 है और इसके भुजा का लंबाई, ये 4 मीटर है और इसके भुजा का लंबाई 1/10 मीटर। तो ऐसा ऐसा कितना वर्ग इसमें समा जाएगा, यानी कह सकते हैं कि जितना भी होगा इसका टोटल क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी पिछले प्रश्न में जैसे हम लोग अभी ज्ञात किए थे कि एक वर्ग का क्षेत्रफल यानी छोटे टाइल का क्षेत्रफल निकाल करके संख्या से गुना किए, और जैसे ही संख्या से गुना किए वो फर्श के क्षेत्रफल के बराबर आ गया। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, भुजा यदि 1/10 तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो भुजा का स्क्वायर यानी 1/10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 1/100 मीटर स्क्वायर। और ऐसा ऐसा कितना हम लोग टाइल्स लें या कितना वर्ग लें नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं वर्गों की संख्या x, यानी ऐसा ऐसा x वर्ग यदि हम लोग लेते हैं तो सभी को यदि ले लिया जाए और इसमें डाल दिया जाए तो इसके बराबर में हो जाएगा, यानी इसमें पूरा आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान के चलिए कि ऐसा ऐसा यदि 500 हम लोग टाइल्स ले लें तो 500 टाइल्स क्या कर इसको भर दे, लेकिन यही तो पता नहीं कितना टाइल्स ले। यानी ऐसे ऐसे टाइल्सों की संख्या बराबर यदि x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 का स्क्वायर यानी 16, ये भी मीटर स्क्वायर में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को तो निकालना है x का मान। तो इसको सीधे यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा, हो जाएगा 100 से गुना, कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा हम लोग का 1600। आंसर कितना हो जाएगा, 1600। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वर्ग की संख्या बराबर क्या, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय में छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 16, और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आया 1/100, क्योंकि ये दोनों साथ में है। तो इसको कैसे हम लोग पलटेंगे, इस 16 को यही छोड़ देंगे और इसको पलटेंगे 100 ऊपर एक नीचे, एक नीचे हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 1600। अब आपको जो सूटेबल लगे आप उससे बना लीजिए, या तो इससे या तो इससे।